Hello students, hope you all are doing well. In this video, today we will continue our fifth lesson, the 100 dresses part 1. So students, already we have discussed the half of this lesson, and in this video today we will discuss the last part of our fifth lesson. So please turn with me to page number 67. Aap log mere saath page number 67 open kar lijiye. Today we will discuss the last half part. यहाँ है टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, यानी कि टुडे कौन सा दिन है, वेंसडे है. वेंसडे को पेगी एंड मैडी क्या हो जाते हैं, स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं. मैडी वॉज ग्लैड सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा. अब मैडी जो है वो मन ही मन खुश है, काफ़ी ग्लैड है. क्यों ग्लैड है, क्योंकि वो वेंडा पेट्रॉन्स्की का मजाक नहीं उड़ा पाती है उस दिन, इसलिए वो मन ही मन खुश है कि चलो आज मैंने उसका वेंडा का मजाक नहीं उड़ाया, उसके साथ फन नहीं किया, तो वो काफ़ी ज़्यादा ग्लैड थी. सी वर्क फॉर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एबसेंट माइंडेडली 8 times 8 लेट सी. अब वो क्लास में प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या है, एबसेंट माइंडेड है. एंड वो क्या सॉल्व कर रही है, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है, 8 times 8 ऐसा कुछ वो मन ही मन बड़बड़ा रही है एंड सोच रही है. लेकिन वो फिजिकली प्रेजेंट है, लेकिन वो मेंटली एब्सेंट थी. फर्दर है यहाँ पे, सी विश्ड सी हैड द नर्व टू राइट पेगी ए नोट. अब वो ऐसा विश कर रही है, ऐसा उसके मन के अंदर ऐसा इच्छा हो रहा है कि काश मेरे पास इतना हिम्मत होता. नर्व मीन्स क्या होता है, हिम्मत होता टू राइट पेगी ए नोट. मैं क्या कर पाती, मैं पेगी को एक नोट लिख पाती. बिकॉज सी न्यू सी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पेगी. क्योंकि उसको पता था सी वुड नेवर हैव द करेज, क्योंकि उसके पास उतना हिम्मत ही नहीं हो पाएगा कि जा करके वो क्या करे, सामने से पेगी से बात कर सके, बोल सके. क्या बोल सके, हे पेग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैज. यानी कि पेगी जो है उसकी काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी, तो उसके पास इतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो सामने से जाके कह सके, हे पेग लेट्स स्टॉप, हम लोग क्या करें, इस जोक को, इस फन को हम लोग बंद करें. वेंडा से पूछना हाउ मेनी ड्रेसेस ही हैज, कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, इसके पास उतनी हिम्मत नहीं थी. व्हेन सी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक्स सी डिड स्टार्ट नोट टू पेगी. एंड जब उसने अपना अर्थमेटिक जो वो सॉल्व कर रही थी प्रॉब्लम्स, उसने क्या किया, एक नोट लिखना स्टार्ट किया. किसको, नोट टू पेगी. Suddenly she paused and shuddered. लेकिन अचानक जो है वो नोट लिखना पॉज कर देती है, रुक जाती है. एंड shuddered, shuddered means एकदम थरथराने लगना, डर से कांपने लगना. तो वो कांपने लगी. She pictured herself in the school yard. एंड वो क्या दिख रही है, एक स्वप्न के जैसा उसके माइंड में आ रहा है, वो पिक्चर देख रही है कि वो कहाँ पे है, स्कूल यार्ड में है. ए न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स. अब ये क्या बन गई है, ये पेगी के लिए, मैडी जो है वो ऐसा इमेजिन कर रही है कि मैं एक टारगेट बन गई हूँ पेगी के लिए एंड और भी सारे गर्ल्स के लिए. पेगी माइट आस्क हर वेयर सी गॉट द ड्रेसेस दैट सी हैड ऑन. एंड पेगी उसे पूछ रही है कि ये जो ड्रेस तुम पहनी है ये कहाँ से आया. ओके, एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पेगीज ओल्ड वंस. एंड मैगी को क्या कहना पड़ेगा, ये पेगी का पुराना ड्रेस है दैट मैडीज मदर हैड ट्राई टू डिस्क्यूज विद. और मैडी के मदर ने इस ड्रेस को क्या किया है, डिस्क्यूज किया है, यानी कि उसको थोड़ा बहुत इधर उधर सेटिंग करके, उसमें कुछ जोड़ के, कुछ हटा के एक न्यू लुक दिया है. नाउ वी विल सी पेज नंबर 67. डिस्क्यूज विथ न्यू ट्रिमिंग्स सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकोगनाइज इट. यानी कि उसको एक न्यू लुक दिया है कुछ ट्रिमिंग्स करके, उसमें कुछ जोड़ के, कुछ रिबन्स वगैरह लगा करके, कुछ न्यू डिज़ाइंस दिया है, ताकि रूम 13 में कोई भी उसको रिकोगनाइज नहीं कर सके कि ये किसका ड्रेस है, ये पेगी का ड्रेस है. तो ऐसा उसको ख्याल आ रहा है मन में. नेक्स्ट है, इफ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा. फिर वो सोच रही है कि ये ओन अकॉर्ड मीन्स क्या होता है, अपने मन से. अगर पेगी जो है अपने मन से डिसाइड करती है कि मैं वेंडा का मजाक उड़ाना स्टॉप करूंगी, तभी वो कर सकती है.
Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. अब वो क्या कर रही है मैडी, मैडी जो है अपने हाथ को पीछे छोटे छोटे जो उसके बाल थे ब्लॉन्ड हेयर थे उस पर तरफ घुमा रही है, क्यों? ताकि उसके माइंड में जो ये ख्याल जो आया है, ये सब थॉट्स आए हैं, टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, वो चाह रही थी कि ये जो थॉट्स है मेरे माइंड से चले जाए. इसलिए व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या डिफरेंस होगा. स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट्स सी हैड स्टार्टेड. अब क्या कि धीरे से उसने जो वो नोट लिखना शुरू किया था उसको फाड़ डाला इनटू बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में. सी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम. एंड मैडी क्या थी, मैडी जो है वो पेगी का काफ़ी बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत ही गहरा दोस्ती था उन दोनों का. एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल, एंड पेगी जो है उसको क्लास में एकदम सब कोई उसको पसंद करते थे, बेस्ट लाइक गर्ल थी इन द होल रूम, पूरे रूम में सब कोई उसको पसंद करते थे. पेगी वुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग सी थॉट. अब मैडी जो है यहाँ पे सोच रही है कि शायद पेगी ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी. ओके, पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग, ओके, कोई भी ऐसा काम दैट वॉज रियली रॉन्ग, जो सही में गलत हो, ऐसा मैडी जो है सोच रही है. नाउ वी विल सी नेक्स्ट पैराग्राफ. यहाँ है, एज फॉर वेंडा सी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन्स हाइट एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड. एंड जहाँ तक वेंडा का सवाल था, वो एक ऐसी लड़की थी जो कहाँ पे रहती थी, हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन्स हाइट. तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये नाम पहले भी आ चुका है, आई होप यू रिमेंबर. तो वो बॉगिन्स हाइट में रहती थी एंड अक्सर वो स्कूल में कैसे रहती थी, अकेला ही रहती थी, स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड. सी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, एंड शायद ही वो कभी किसी से कुछ कहती थी. द ओनली टाइम सी टॉक वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस. एंड द ओनली टाइम, केवल वो कब बात करती थी, उसी समय बात करती थी स्कूल यार्ड में जब ये 100 ड्रेसेस के बारे में डिस्कशन होता था, तभी वो अपना मुंह खोलती थी, इसके अलावा वो कभी भी बात नहीं करती थी. नेक्स्ट है, मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग्स. अब मैडी को याद आता है कि उसके साथ पहले कभी डिस्कशन हुआ होगा बात के दौरान कि वेंडा पेट्रोंस्की जो है उसको किस चीज़ के बारे में बताती है, अबाउट वन ऑफ हर ड्रेस जो कैसा था, पेल ब्लू कलर का था विथ कलर ट्रिमिंग्स. एंड वो कैसा था, कलर ट्रिमिंग्स, ट्रिमिंग मीन्स एक्स्ट्रा थिंग्स विच यू एड टू समथिंग टू इम्प्रूव इट्स अपियरेंस. उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ जोड़ करके हम उसके अपियरेंस को बढ़ा देते हैं. ओके, तो वो उसके बारे में याद कर रही है मैडी, पेल ब्लू ड्रेस के बारे में जिसमें कलर्ड ट्रिमिंग्स थे. एंड सी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ रेड शैस. एंड दूसरा एक और ड्रेस के बारे में डिस्कशन हुआ था जो कैसा था, डार्क ग्रीन कलर का जिसमें रेड शैस यानी रेड कलर के फीते लगे हुए थे. यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ जो लड़की थी, कुछ जो लड़कियाँ थी वो वेंडा पेट्रोंस्की का मजाक उड़ा रही है, उसकी जो है दिखावटी तारीफ जिसको हम कहते हैं, वो दिखावटी तारीफ कर रही है कि अरे तुम तो एकदम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगोगी, यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री. तुम कैसे दिखोगी, एक क्रिसमस ट्री की तरह दिखोगी जब वो ड्रेस पहनोगी तब. थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब ये सब के बारे में जो है वेंडा सोच रही है, thinking about Vanda and her 100 dresses, ये Vanda के बारे में and उसके 100 dresses के बारे में कि सब कुछ क्या है उसके closet में, उसके cupboard में सभी lined up हैं. Maddie जो है अब वो wonder कर रही है, सोच रही है कि who was going to win the drawing and coloring कॉन्टेस्ट, की ये जो ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट शायद हाल फिलहाल में कंडक्ट करवाया गया होगा, उसके बारे में ये सोच रही है कि उसको कौन जीतेगा, हु विल विन. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ
डिजाइनिंग ड्रेसेस, यानी गर्ल्स के लिए ये कॉन्टेस्ट कैसा रखा गया था, उनको क्या बनाना था, डिजाइनिंग बनाना था, कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस, यानी अलग अलग उनको ड्रेस का डिजाइन बनाना था। एंड फॉर बॉयज, बॉयज के लिए क्या था, ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स, उनको मोटर बोट्स डिजाइन करना था। तो ये कंटेस्ट जो है उनके स्कूल में करवाया गया रहा होगा। इसके बारे में जो है मैडी जो है वो सोच रही है कि ये इसमें कौन जो है वो विनर होगा। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। अब मैडी ऐसा सोच रही है कि शायद पेगी क्या होगी, वो गर्ल का मेडल तो पेगी ही ले जाएगी। पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। क्यों ऐसा वो सोच रही है, क्योंकि पेगी जो है वो बहुत ही एक अच्छा आर्टिस्ट थी, वो बहुत ही अच्छा ड्रॉ करती थी। वो जो रूम था उसके क्लास में कोई भी ऐसा गर्ल नहीं थी जो उतना अच्छा ड्रॉ कर सके, इसलिए मैडी ऐसा सोच रही है। एटलीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट, एंड ऐसा ही सब कोई सोचते थे। सी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। एंड वो किसी का पिक्चर या जो मैगजीन में होते हैं या फिल्म स्टार में किसी का भी पिक्चर जो है वो एग्जैक्टली उसको ड्रॉ कर देती थी, इसलिए आप आसानी से कह सकते हैं कि डेफिनेटली पेगी ही इस कंटेस्ट को जीतेगी। ओ मैडी वॉज श्योर पेगी वुड विन, एंड एकदम वो कन्फर्म थी मैडी कि पेगी ही डेफिनेटली वो जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, यानी टुमारो यानी थर्सडे के दिन टीचर जो थी वो अनाउंस करती कि कौन जो है विनर्स है, यानी बॉय साइड से कौन विनर है एंड गर्ल साइड से कौन विनर है, ये थर्सडे को अनाउंस होने वाला था। देन दे वुड नो, एंड तब उनको ये पता चलेगा। लास्ट पैराग्राफ में हम आते हैं, यहाँ पे क्या है, द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। अगले दिन क्या हो रहा था, ड्रिजलिंग यानी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैडी एंड पेगी हरी टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला। अब क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, मैडी एंड पेगी जो है वो फटाफट स्कूल के लिए आ रहे हैं, हरीड हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि बारिश हो रही थी तो पेगी के अम्ब्रेला में ये दोनों जो है स्कूल के तरफ फटाफट आ रहे हैं। नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वेंडा पेट्रोंस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑलिवर स्ट्रीट, यानी कि नेचुरली अब जब बारिश हो रहा है तो कोई किसी का वेट नहीं करेगा मजाक उड़ाने के लिए। इन द सेम वे यहाँ भी जो है ये लोग वेंडा पेट्रोंस्की का वेट नहीं करते हैं। तो ये लोग अक्सर कहाँ पे वेट करते थे, ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑलिवर स्ट्रीट, वहाँ पे कोई स्ट्रीट रहा होगा उसके कॉर्नर पे ये लोग वेट करते होंगे। तो उस दिन ये लोग वेट नहीं करते हैं, वाई, बिकॉज इट वॉज ड्रिजलिंग, क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिंस हाइट, एंड अगर हम उसके दूर दूर तक जाएं तो रेलवे ट्रैक के नीचे से होते हुए आगे जब हम हिल के ऊपर जाएंगे तो वो रास्ता कहाँ होकर कहाँ जाता है, बॉगिंस हाइट पे वो रास्ता जाता है। एनीवे दे वेरेंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो लोग कोई भी चांस लेना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वो दिन काफ़ी खास था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट था, कि उस दिन रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, इसलिए वो दोनों कोई भी चांस लेना नहीं चाह रहे थे। नाउ वी विल कम टूवर्ड्स पेज नंबर 69। अभी हम लोग पेज नंबर 69 में आते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारा स्टोरी कैसे मूव होता है। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क पेगी, यानी पेगी पूछती है अरे क्या तुम्हें लगता है कि मिस मेसन, यानी ये दोनों फ्रेंड जो है आपस में बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है मिस मेसन आज विनर्स का नाम अनाउंस करेंगी। ओके आस्क पेगी, पेगी जो है अपने फ्रेंड से पूछ रही है ऐसा। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन सेड मैडी, ऑफकोर्स यू विल विन पेग, वो करिए कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, उम्मीद है, द मिनट वी गेट इन, जैसे ही हम लोग क्लास में जाएंगे अंदर जाएंगे ओके तो नाम अनाउंस हो ही जाएगा, ऐसा मैडी कह रही है। फिर कह रही है ऑफ कोर्स यू विल विन, एंड इसमें कोई शक की बात नहीं है, पेग डेफिनेटली तुम क्या होने जा रही हो, तुम जीत जाओगी, ऐसा वो बोल रही है। होप सो सेड पेगी ईगरली, एंड पेगी भी कह रही है चलो उम्मीद करते हैं ईगरली, उसके अंदर काफ़ी एक इच्छा थी जीतने की तो वैसा उसके फेस पे भी वो दिख रहा है। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प,
यानी कि जैसे ही वो लोग क्लास में एंटर किए, दे स्टॉप, खड़े हो जाते हैं, एंड गैस्प का मतलब क्या होता है, हाँफते हुए वो लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं जैसे ही वो लोग क्लास में एंटर करते हैं। देयर वेयर ड्रॉइंग्स ऑल ओवर द रूम, हर जगह ड्रॉइंग था, ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल्स। लेज एंड विंडो सिल्स क्या होता है, विंडो के नीचे जो थोड़ा सा स्पेस होता है उसको हम कहते हैं लेज एंड विंडो सिल। तो वहाँ पे सभी जो कलरफुल ड्रॉइंग्स थे वो वहाँ पे रखे हुए थे, डेजलिंग यानी चमचमाते हुए कलर्स, एंड ब्रिलियंट यानी कि चमकते हुए, एकदम शाइनिंग यानी कि रंग बिरंग के जो अलग अलग कलर्स के चमकीले जो ड्रॉइंग्स थे वो वहाँ पे रखे हुए थे। लैविश डिज़ाइंस यानी कि बहुत ही ग्रैंड डिज़ाइंस थे, एकदम बहुत ही जिसको हम कहते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल, लाजवाब जिसको कहते हैं, वो सब डिज़ाइन थे। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर्स, एंड सब वो बड़े बड़े शीट्स पे, रैपिंग पेपर्स पे ड्रॉ किए हुए थे, एंड वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम लाइंड अप, एंड वो कितना होगा, कम से कम 100 तो डेफिनेटली होगा, एंड सभी लाइन अप किए हुए थे। दिस मस्ट बी द ड्रॉइंग्स ऑफ द कॉन्टेस्ट, एंड ये लोग क्या सोच रहे हैं कि ये किस चीज का ड्रॉइंग होगा, कॉन्टेस्ट का ड्रॉइंग होगा। दे वेयर, एंड ऐसा ही था, एवरीबडी स्टॉप एंड विसिल्ड और मर्मर एडमायरिंगली, यानी सब कोई रुक जाता है, कोई विसिल बजाता है, एंड कोई मर्मर होता है, जैसे मुंह में बड़बड़ाते हैं, एडमायरिंगली यानी उसको देख के काफी आश्चर्य भी हो रहे थे। नेक्स्ट है, एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड, मिस मेसन अनाउंस द विनर्स, एंड जैसे ही क्लास असेंबल हो गया, मिस मेसन यानी कि जो उनकी टीचर थी वो अनाउंस करती है किसके बारे में, विनर्स के बारे में। जैक बिगल्स हैड वॉन द बॉयज, सी सेड, यानी कि उनकी जो टीचर थी वो कहती हैं कि कौन जीता है, जैक बिगल्स हैड वॉन द बॉयज, यानी कि बॉयज के तरफ से जो जैक बिगल्स था वो जीत चुका था, सी सेड, एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एक्सिबिशन इन रूम 12, एंड उसने क्या बनाया था, उसने बनाया था आउटबोर्ड मोटर का जो डिज़ाइन बनाया था वो रूम 12 में रखा गया था एक्सिबिशन के लिए, अलॉन्ग विद द स्केचेस बाई ऑल द अदर बॉयज, एंड उसके साथ साथ जो दूसरे बॉयज ने स्केचेस बनाया था उसको भी वहाँ पर रखा गया था ताकि दूसरे स्टूडेंट जो हैं उसको देख सकें। नेक्स्ट है, एज फॉर गर्ल्स सी सेड, एंड जहाँ तक गर्ल्स का जो सवाल था, ऑल दो जस्ट वन और टू स्केचेस वेयर सबमिटेड बाई मोस्ट, यानी कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ने क्या सबमिट किया है, एक या दो स्केचेस सबमिट किया है, वन गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, लेकिन रूम 13 को प्राउड होना चाहिए एक लड़की के बारे में, दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइंस, एंड उस लड़की ने कितने डिज़ाइंस ड्रॉ किए हैं, 100 डिज़ाइंस उसने ड्रॉ किया है, यानी कि बाकी सब गर्ल्स ने तो एक या दो डिज़ाइंस ड्रॉ किया, उसको सबमिट किया, लेकिन एक ऐसी लड़की है जिसने पूरा 100 डिज़ाइंस ड्रॉ किया है, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, एंड सारे डिज़ाइंस कैसे एकदम अलग अलग हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, काफ़ी सुंदर है। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, यानी कि जजेस के ओपिनियन में, एनी वन ऑफ द ड्रॉइंग इज वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज, यानी कि उसमें से कोई एक ड्रॉइंग ही वर्थ है प्राइज ले जाने के लिए, प्राइज जीतने के लिए, कोई भी एक ड्रॉइंग अगर हम उसको देखें तो उसको देखकर कहा जा सकता है कि डेफिनेटली प्राइज उसको ही जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वैंडा पेट्रॉन्स्की इज अ विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, एंड मुझे काफ़ी खुश हो रहा है, उसकी टीचर ऐसे अनाउंस करती है कि मुझे काफ़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि गर्ल साइड से वैंडा पेट्रॉन्स्की जो है वो विनर है, एंड मेडल जो है उसको जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे ड्राइंग्स यहाँ पे दिया गया है, एंड वैंडा पेट्रॉन्स्की जो है उसको ड्रॉ कर रही है, एंड ये सब काफ़ी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स जो है उसके द्वारा बनाया गया है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 70, अभी हम लोग पेज नंबर 70 में देखते हैं यहाँ पे क्या है। अनफॉर्चुनेटली वैंडा हैज बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज नॉट देयर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज ड्यू टू हर, लेकिन दुर्भाग्यवश वैंडा जो है वो एबसेंट थी, स्कूल में प्रेजेंट नहीं थी कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से, एंड
इज नॉट हियर टू रिसीव द अप्लॉज, एंड ये जो अप्लॉज है, जो तारीफ है, वो उसको देखने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यानी कि जब हम किसी चीज़ में जीतते हैं तो जो स्टूडेंट्स जो ताली बजा के जो प्रशंसा करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो ये सब रिसीव करने के लिए वो उस दिन स्कूल में प्रेजेंट नहीं थी। लेट अस होप सी विल बी बैक टुमारो। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि शायद वो कल स्कूल आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्रॉइंग्स। नाउ अब टीचर ऐसा करिए कि यू मे फाइल अराउंड, फाइल अराउंड मीन्स क्या होता है, लाइन में चलना। अभी तुम लोग क्या हो सकते हो, लाइन में चल सकते हो, एंड क्वाइटली एकदम शांतिपूर्वक जो अलग अलग ड्रॉइंग्स हैं आप उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक्सक्यूसिट मीन्स होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड। तो यहाँ पे टीचर जो है उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप लोग लाइन में चल सकते हैं एंड क्वाइटली जो सभी ड्राइंग्स हैं आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन बर्स्ट इनटू अप्लॉज, यानी कि बच्चे जो हैं वो एकदम जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। एंड इवन द बॉयज वेर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। अब उन बच्चे को भी चांस मिल जाता है, उन बॉयज़ को भी चांस मिल जाता है जो पीछे बैठे हुए होते हैं, एंड वो अपने पैर को क्या करने लगते हैं, फ्लोर पे, ज़मीन पे जोर जोर से पटकने लगते हैं। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विजिल, एंड अपने फिंगर को माउथ में रख करके क्या करने लगते हैं, विजिल बजाने लगते हैं। दो दे वेर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, लेकिन उनको ड्रेसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बस उनको एक मौका चाहिए शोरगुल करने के लिए, हल्ला गुल्ला करने के लिए, शोर मचाने के लिए। तो जस्ट ऐसा वो शोरगुल मचा रहे हैं इवन दो उनको ड्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, लुक पेग विस्पर्ड मैडी, यानी मैडी जो है वो विस्पर करती है एंड पेग को दिखाती है कि पेग वहां देखो, देयर्स दैट ब्लू वन सी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। यानी वो करे कि there's that blue one, वहाँ पे देखो कौन सा ड्रेस है, ब्लू वाला ड्रेस है जिसके बारे में उसने हम लोगों से बताया था, isn't it beautiful, कितना सुंदर है वो। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पीछे हम लोगों ने देखा था दो ड्रेसेस के बारे में, एक पेल ब्लू कलर विथ कलर ट्रिमिंग्स एंड दूसरा था ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ रेड शैस। तो इसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो मैडी है वो पेक को दिखा रही है वो ब्लू कलर का ड्रेस। नेक्स्ट है यस सेड पेगी, और पेगी कहती है कि हाँ, एंड देयर्स दैट ग्रीन वन, एंड वहां देखो वहां कौन सा है, ग्रीन वाला ड्रेस है। बॉय बॉय मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एक सरप्राइज का एक्सप्रेशन है, ये यहाँ पे कोई लड़का, इसका मीनिंग कोई लड़का नहीं है, बट ये एक एक्सप्रेशन है फॉर सरप्राइज। एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, तो वो करिए कि मुझे ऐसा लगता था कि केवल मैं ही ड्रॉ कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कितना अच्छा ड्राइंग है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट दो पैराग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो है विस्पर करते हैं, एंड वो ड्रेस जो ऑलरेडी इनका वेंडा पेट्रॉन्स्की के साथ डिस्कशन हो चुका था, वो ड्रेस ये लोग देख करके काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं एंड उनको काफ़ी अच्छा लगता है। सो स्टूडेंट्स आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। टिल हियर आवर लेसन नंबर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 खत्म हो गया, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग 100 ड्रेसेस पार्ट 2 देखेंगे, एंड ये स्टोरी कैसे पार्ट 2 में जाकर के फिनिश होगा वो हम लोग देखेंगे। ये स्टोरी अभी यहाँ तक फिनिश नहीं हुआ है, पार्ट 2 में जाके फिनिश होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे। सो स्टूडेंट्स आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। So students, that's all for today. Have a nice day. Thank you.